हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं आपके लिए दो पहाड़ी स्पीकर्स के बीच में कंपैरिजन लेकर आया हूं। जैसा कि आप सबको बताया, पर्सनली मैं FND PA100 को यूज़ करता हूं एंड अभी मार्केट में क्लैरियन ब्रांड का एक नया पहाड़ी स्पीकर आया है। सो मुझे लगा कि यार ये जब स्पीकर मैं रिव्यू कर ही रहा हूं तो यार एक बार कंपैरिजन भी कर लेना चाहिए PA100 के साथ एंड देखना चाहिए कि यार अभी के टाइम में कौन सा बेस्ट है। क्योंकि आप सबको पता है FND PA100 पिछले साल आया था यानी कि 2023 में एंड ये वाला मॉडल अभी लेटेस्ट है। सो देखते हैं यार आज की वीडियो में कि यार कौन सा वाला बेस्ट है, आपको कौन से वाले को परचेस करना चाहिए। बाकी दोस्तों यार जो मेरा लाइव एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊंगा। बस आपने क्या है कि वीडियो को पूरे एंड तक देखना है। अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। दोस्तों FND PA100 का अभी करंट प्राइस चल रहा है 11,000 से 12,000 के बीच में। अगर हम बात करें क्लैरियन की तो दोस्तों इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 9,500 रुपीज। सो प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो यार ये वाला जो पार्टी स्पीकर है कहीं ना कहीं हमें ज्यादा बढ़िया कीमत में देखने को मिल जाता है। मतलब कि इसका प्राइस अंडर 10,000 में ही हमें देखने को मिल जाता है। एंड इसका मैं आपको मॉडल नंबर भी बता देता हूँ। दोस्तों इसका मॉडल नंबर है क्लैरियन JM6077। अगर दोस्तों आपको इन दोनों स्पीकर्स में से कोई सा भी स्पीकर परचेस करना होगा तो आप PC मीडिया से परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं PC मीडिया का कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। साथ में दोस्तों आप सबको पता है हम बैटल ग्राउंड वीडियो हो या साउंड टेस्ट वीडियो, हम डिटेल पे यार डेमो दे के नहीं दिखाते हैं एंड ना फीचर्स के बारे में उतने डिटेल में बताते हैं। क्योंकि आप सबको पता है यार वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। अगर आपको इन दोनों के फीचर्स या डेमो को डिटेल में देखना है तो सेपरेट पे मैंने अनबॉक्सिंग वीडियोस दे रखी हैं, आप अनबॉक्सिंग वीडियोस को डिटेल पे देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम डिज़ाइन की, क्या डिज़ाइन के हिसाब से कौन सा स्पीकर बढ़िया है। वैसे यार दोनों के ही डिज़ाइन हमें बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। FND PA100 ना दोस्तों गोलू मोलू सा स्पीकर है एंड काफ़ी छोटा स्पीकर है साइज़ में। अगर मैं इसके सामने रखूं, क्लैरियन के सामने रखूं तो आपको साइज़ का पता लगेगा। एक बार पास लाकर भी दिखाइए, मतलब कि ये इतना सा ही है। एंड इसके बाद भी देखिए क्लैरियन जो है वो काफ़ी बड़ा स्पीकर है। सो पोर्टेबिलिटी तो कहीं ना कहीं यार FND PA100 की बेस्ट हमें देखने को मिल जाती है। आप इसे मतलब टू व्हीलर में भी डाल के लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हमने जब इसका आउटडोर टेस्ट दिया था तो आपको ये चीज़ भी दिखाई थी कि यार ये हमारी स्कूटी के आगे से भी आ जाता है। तो इतना कॉम्पैक्ट साइज का स्पीकर है एंड साउंड क्वालिटी दोस्तों बहुत ही नेक्स्ट लेवल हमें मिल जाती है। मतलब कि यार हम इतने सारे पार्टी स्पीकर टेस्ट करते हैं बट पर्सनली यार दोस्तों मैंने इसे अपने यूज के लिए रखा है तो मुझे ऑडियो क्वालिटी इसकी काफी बढ़िया लगी है। क्लैरियन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, साइज तो इसका काफी बड़ा है बट इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। ये स्पीकर दोस्तों केवल 6 किलो का है, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग लगता नहीं कि यार ये इतना हल्का स्पीकर है। सो कैरी करने में मतलब दोस्तों यार इसमें भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड देखिए टॉप पर हमें इस पर हैंडल मिल जाता है, आप इससे क्या है कि स्पीकर को होल्ड कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं लाइट इफेक्ट की बात करूं तो देखिए PA100 पर हमें रिंग पे लाइट मिल जाती है, रिंग पैटर्न पे बढ़िया लगती है। एंड इसके मोड को हम चेंज कर सकते हैं, ये देखिए मतलब इसकी लाइट्स में हम ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम क्लैरियन की देखें तो देखिए ऊपर से भी हमें लाइट इफेक्ट मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। मतलब कि आपने अभी लेटेस्ट जो सोनी के पार्टी स्पीकर्स आ रहे हैं बैटरी वाले, उन पर इस तरीके का लाइट इफेक्ट देखा होगा। ये कुछ उसी तरीके से इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। एंड अगर हम नीचे का डिज़ाइन देखें तो ये JBL के पार्टी बॉक्स की तरह ही हमें देखने को मिलता है, मतलब कि ये JBL से इंस्पायर्ड है। अगर हम FND PA100 की बात करें तो ये तो आप सबको बताया बिल्कुल इंस्पायर्ड है JBL Encore Essential से, बिल्कुल सेम ही डिज़ाइन है। अगर मैं उसको यहाँ पे रख दूंगा तो आप गैस भी नहीं कर पाएंगे कि यार कौन से ब्रांड का है, अगर ब्रांड को हटा दें तो। आप लोग कमेंट करके बताइए कि यार आपको इन दोनों में से डिज़ाइन किसका बढ़िया लग रहा है। पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो डिज़ाइन वाइज ये थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आप ऐसे टेबल में रखेंगे तो इस पर नज़र ज़्यादा जाएगी, मतलब डिज़ाइन वाइज। अब बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी। अगर आप कैंपेन करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं तो यार बिल्ड क्वालिटी जो है ना स्पीकर की बढ़िया होनी चाहिए। सो PA100 की तो दोस्तों जैसे कि हम एक साल से यूज़ कर ही रहे हैं अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। हाँ छोटे मोटे स्क्रैचेस जरूर आ गए क्योंकि आउटडोर में यूज़ करते हैं तो इतना चलता है, बट ऐसे डैमेज कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हम बात करें क्लैरियन की तो दोस्तों यार इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया हमें मिल जाती है। मतलब कि इस ब्रांड ने भी डिज़ाइन में बिल्ड क्वालिटी में अच्छा काम करा है, आपको चीप फील नहीं होगा ये। एंड हमें ABS प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी दोनों पर मिल जाती है।
अब दोस्तों मैं आपको कनेक्टिविटी बता देता हूँ कि आप कौन से पावर स्पीकर में कैसी कनेक्टिविटी मिलती है। क्लैरियन पर देखिए दोस्तों हमें डिस्प्ले मिल जाता है। अगर हम FND P100 की बात करें तो इस पर हमें डिस्प्ले नहीं मिलता है। अगर हम ऑपरेट करेंगे तो डिस्प्ले होता है तो थोड़ी सी हेल्प जरूर हो जाती है, बट क्लैरियन पर हमें डिस्प्ले मिल जाता है। साथ में दोस्तों एक एडवांटेज हमें और मिल जाता है, देखिए हमें मोबाइल होल्डर भी क्लैरियन पर मिलता है। अगर हम FND P100 की बात करें तो इस पर हमें कोई भी मोबाइल होल्डर देखने को नहीं मिलता है। इसका हैंडल टॉप पे है, इसका हैंडल फ्रंट साइड पे है। दोस्तों हम दोनों के बेस एंड ट्रेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए FND के तो बैक साइड पर हमें मिलते हैं, इन्हें ऐसे करके दबाना पड़ता है। देखिए आवाज़ आ गई, यानी कि हमने इसे मैक्स पे कर दिया है। बट यहाँ पर देखिए डिस्प्ले दे रखी है तो कितना अच्छा हमें फ़ायदा मिल जाता है। देखिए मेन्यू का बटन हम प्रेस करेंगे एंड देखिए ट्रेबल एंड बेस को हम एडजस्ट कर पाएंगे। ये देखिए ट्रेबल कर दिया हमने, बेस को भी हम एडजस्ट कर पाएंगे यहाँ पे से। FND PA100 में दोस्तों हम एक ही माइक को कनेक्ट कर पाएंगे। अब यार मैं ऐसे ऊपर नीचे रख के इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो साइज में है थोड़ा ऊपर है, इसलिए ऐसे करके दिखा रहा हूँ। अगर हम अदर कनेक्टिविटी की बात करें तो इस पर हमें ऑक्स, TF कार्ड, USB पोर्ट, ये सब की कनेक्टिविटी मिल जाती है। साथ में FM रेडियो मिलता है एंड ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी तो मिलती ही है। अगर हम FND P100 की बात करें तो इस पर हमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है, ऑक्स की कनेक्टिविटी मिलती है, साथ में USB की कनेक्टिविटी मिलती है। सो FM रेडियो हमें इस स्पीकर पर देखने को नहीं मिलता है, ना ही हमें TF कार्ड की कनेक्टिविटी मिलती है। तो दोस्तों यार यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि यार कनेक्टिविटी के हिसाब से कौन सा बेस्ट है। कनेक्टिविटी के हिसाब से क्लैरियन हमें थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पावर आउटपुट्स की एंड ड्राइवर साइज की। तो दोस्तों इस पर हमें टू ट्यूटर मिल जाते हैं 2-2 इंच के, एंड हमें 5.25 इंचेस का इस पर सब वूफर देखने को मिलता है, एंड इसका टोटल पावर आउटपुट 40 वॉट्स का है। अगर हम बात करें क्लैरियन की तो दोस्तों इस पर हमें 6.5 इंचेस के 2 वूफर मिल जाते हैं, साथ में हमें 2.54 सेंटीमीटर के जो ट्यूटर मिलते हैं। FND PA100 पर क्या है ना, एक ऑप्शन हमें और बढ़िया मिलता है, इस पर हमें मेगा बेस का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको बेस थोड़ा और डीप चाहिए तो आप इस बटन से इसे एक्टिवेट कर सकते हैं मेगा बेस को, एंड इसका जो बेस है वो थोड़ा और डीप हो जाता है। बट क्लैरियन पर हमें ऐसा कुछ भी फीचर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों मैंने प्राइसिंग आपको बता दी है, फीचर्स आपको बता दिए, साथ में पावर आउटपुट एंड ड्राइवर साइज डिटेल में बता दी है। अब इनकी ऑडियो क्वालिटी भी टेस्ट कर लेते हैं, साइड बाय साइड प्ले करके देखते हैं सेम ट्रैक्स एंड देखते हैं कि यार कौन सा वाला ज़्यादा बेटर है। दोस्तों हम इंडोर में भी टेस्टिंग देंगे एंड आउटडोर पे भी टेस्टिंग देंगे, सो प्लीज़ आप लोग अपने हेडफोन्स का यूज़ कर लीजिएगा। एंड दोस्तों इनका हम हिंदी पे भी साउंड टेस्ट लाएंगे इंस्टाग्राम पर, सो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। तो चलिए ऑडियो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों यार मैंने आपको इनका डिटेल पे ऑडियो भी टेस्ट करवा दिया है। मैंने इंडोर में टेस्टिंग दी, आउटडोर में टेस्टिंग दी, एंड मेरे हिसाब से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा क्या परफॉर्मेंस कैसा हमें मिल जाता है। अगर दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो यार इंडोर के हिसाब से अगर आपको एक बढ़िया पार्टी स्पीकर चाहिए तो FNDPA 100 बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इस मॉडल की जो बेस है ना वो काफ़ी डीप हमें मिल जाती है। एक तो मेगा बेस का ऑप्शन मिलता है, साथ में मैंने लाइव एक्सपीरियंस करा है। आई थिंक आपने भी हेडफोन में ये चीज़ फील ली होगी, बट हेडफोन में उतने अच्छे तरीके से आइडिया नहीं मिलता है, इस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। इसकी जो बेस क्वालिटी है, स्पेशली लोअर फ्रिक्वेंसी, जिनको लोअर फ्रिक्वेंसी काफ़ी पसंद है, डीप बेस पसंद है, उन लोगों के लिए ये चीज़ बनी है। मतलब कि JBL के जो पार्टी बॉक्स आते हैं ना उन पर डीप बेस हमें काफ़ी अच्छा मिलता है, उस तरीके का परफॉर्मेंस आपको कम प्राइस पर मिल जाता है। ये स्पीकर को दोस्तों मैंने तभी रखा है क्योंकि इसकी जो लोअर फ्रिक्वेंसी है वो हमें सुपर मिल जाती है। इस रेंज में जितने भी पार्टी स्पीकर्स हमने टेस्ट करे किसी में भी इतना डीप बेस हमें फील नहीं होता है, तो इसका एक एडवांटेज तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं क्लियरिटी वाइज। यार क्लियरिटी वाइज दोनों ही मॉडल्स बढ़िया हैं, यहाँ पर मुझे इस मॉडल पर भी कमी नहीं लगी है, दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। हाँ इतना है कि फुल वॉल्यूम पर थोड़ा डिस्टॉर्शन हमें फील दोनों पार्टी स्पीकर्स पे होता है, कुछ ट्रैक्स पे, सारे ट्रैक्स पे नहीं। सो क्लैरिटी वाइज तो आप देख लीजिएगा कि यार आपको कौन सा वाला बढ़िया लग रहा है। अब बात कर लेते हैं लाउडनेस की, एंड आउटडोर पे कौन सा वाला ज़्यादा बेटर है। दोस्तों अगर आपको पार्टी के लिए परचेस करना है कोई बढ़िया पार्टी स्पीकर जिस पर इनबिल्ट बैटरी हो, तो वहाँ पे के लिए क्लैरियन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। मतलब कि लाउडनेस में FNDPA 100 उतना बेटर नहीं है, आपको मज़ा नहीं आने वाला है। आपको अगर अच्छी लाउडनेस चाहिए, पार्टी करनी है, आपके घर में गेट टुगेदर है, तो वहाँ पे के लिए यार ये जो क्लैरियन का पार्टी स्पीकर है ना काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस देगा, एंड आपके घर में जितने भी गेस्ट आए होंगे ना सबको नाचने पे मजबूर कर देगा, तो इस तरीके का परफॉर्मेंस इसका मिल जाता है। एंड ये दोस्तों इंडोर पे भी लागू होती है बात, एंड आउटडोर पे भी होती है। मतलब कि दोस्तों आप इसे जहाँ पे भी रखेंगे वहाँ पे मज़ा मिल जाएगा, इंडोर पे भी आउटडोर पे भी। PA 100 की लाउडनेस दोस्तों यार थोड़ी वीक है, लाउडनेस के हिसाब से आप इस मॉडल को मत परचेस करिएगा। डीप बेस लवर इस मॉडल पे जा सकते हैं, अच्छी लाउडनेस के लिए चाहिए, आउटडोर पे बजाना है, पार्टी के लिए क्लैरियन ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है अभी के लेटेस्ट पार्टी स्पीकर में। अगर हम पिछले साल के पार्टी स्पीकर के हिसाब से देखें, साइज़ भी बड़ा है, साथ में लाउडनेस भी बढ़िया हमें मिल जाती है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों यार आज की वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, एंड आपको पता लगा होगा कि यार आपको कौन से वाले पार्टी स्पीकर को परचेज करना चाहिए। सो अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट करके बताइएगा। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ यार ये बैटल ग्राउंड आपको पसंद आया होगा, हमारा हार्डवर्क डेडिकेशन पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।